आज देर शाम से लोग कर सकेंगे माता वैष्णो देवी की गुफा के तर्ज पर बने हाथे गोदाम के पंडाल में दर्शन। गया के हाथे गोदाम में बनी माता वैष्णो देवी के गुफा पंडाल को खोलने का रास्ता साफ हो गया है। सुरक्षा कारणों को लेकर प्रशासन ने पंडाल में एंट्री पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद इस जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारतीय द्वारा रविवार को संयुक्त रूप से उक्त पूजा पंडाल का निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी एवं SSP ने पूजा पंडाल के आयोजन समिति के लोगों के साथ बैठक करने के बाद बताया कि आयोजक को निर्देश दिया है कि पंडाल के नीचे स्टील का पाया बनाकर फ्लोर को सपोर्ट में दे देते हैं और स्थिति को ठीक कर लेंगे तो आयोजक को पंडाल में श्रद्धालुओं के एंट्री करवाने की अनुमति दे दी जाएगी। गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित हाथे गोदाम में बने माँ वैष्णो देवी की गुफा के तर्ज पर बने पूजा पंडाल में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही थी। प्रशासन ने मौजूदा भीड़ के अनुपात में पंडाल की मजबूती क्षमता से कम देखी थी। जानमाल क्षति होने की आशंका को देखते हुए इस पंडाल में दर्शन पर रोक लगा दी गई थी। जिलाधिकारी ने बताया कि पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं के हित में पूरे इंतजाम को बारीकी से देखा गया। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को पंडाल के मजबूती की स्थिति की जाँच करवाई गई। DM ने बताया कि जाँच प्रतिवेदन में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने पहले बताया था कि फ्लोर का सपोर्ट बांस के माध्यम से दिया गया है, जो बिल्कुल ही यहां एक साथ आने वाली भीड़ के अनुपात में सही नहीं है। बांस से दिए गए फ्लोर का सहारा काफी कमजोर बताया गया था। यह भी बताया गया कि ज्यादा लोग एक साथ अगर चढ़ेंगे तो जानमाल की क्षति होने की पूरी संभावना है, जिसके बाद दर्शन पर रोक लगा दी गई थी। DM ने बताया कि आयोजन समिति के लोगों को स्टील का सपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। इधर आयोजन समिति ने बताया कि DM के निर्देश पर तत्काल इस कार्य में लोगों को लगा दिया गया। सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हुए कार्य कर रहे संवेदक व तकनीक के जानकार ने बताया कि DM के निर्देश का अक्षरशः पालन करते हुए पंडाल में स्टील का पाया और सपोर्ट देते हुए मजबूती प्रदान कर दी गई है। अब किसी तरह की दुर्घटना की आशंका नहीं के बराबर रह गई है। आयोजन समिति के लोगों ने इसके लिए DM और SSP के साथ साथ JDU के वरिष्ठ नेता राजू वर्णवाल के प्रति आभार जताया है। क्या नाम हुआ? भोला शंकर। हाँ, सिरेश्वर दुर्गा पूजा समिति हाथों गोदाम गया का हम अध्यक्ष हैं जी। अभी DM साहब, SSP साहब से जो मेरी बात हुई कोतवाली में बैठक हुई उनके साथ, जैसे वो बोले थे उनके आदेशानुसार हमने ट्रैश और भी जगह मजबूती बना दिया है। हमको DM साहब से आग्रह है कि आकर इसका निरीक्षण करके हमको आदेश दिया जाए, श्रद्धालु लोग दर्शन कर सकते। ये यही सब आप पिलर लगाए हैं ऊपर में ना? ऊपर में पिलर जितना भी है वो लग गई। अभी अनुमति नहीं मिला? अभी अनुमति नहीं मिली है। अभी अनुमति SDO साहब के पास बोल दिए हैं, फोन करके उनको सूचना दे दी। कहीं से आपको अभी नया अनुमति मिला है? नहीं। चलिए।